राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 22वीं बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक सीएमआर में आयोजित हुई है। तेज बारिश और बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। जिला कलेक्टर को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर कैचमेंट एरिया में छोटे बांध बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष और सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 15 मार्च कोविड-19 की रोकथाम के लिए बैठक आयोजित। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 22वीं बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में बैठक आयोजित हुई है। तेज बारिश और बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर समीक्षा की गई है। जिला कलेक्टर को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर छोटे बांध बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए भी आदेश दिए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण बैठक, काफी अहम बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तेज बारिश और बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर समीक्षा की गई है। जिला कलेक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में यह बैठक आयोजित हुई है। जिला कलेक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर छोटे बांध बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 रोकथाम के लिए दिए गए आदेशों का भी अनुमोदन किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 22वीं बैठक आयोजित हुई है। सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 22वीं बैठक आयोजित हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में यह बैठक आयोजित हुई है। बैठक में किस प्रकार के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं, इसके लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता दिनेश कसाना के पास। दिनेश, बैठक में क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, किस प्रकार की बातें बैठक में की गई हैं, किस प्रकार के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों को दिए गए हैं? बिल्कुल आशीष, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कल 22वीं बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में आयोजित हुई। लेकिन जिस तरह की आपदा प्रदेश में इस समय आई हुई है, चाहे कोरोना महामारी हो या फिर टिड्डी का प्रकोप हो या फिर जिस तरह से दो दिन पहले बारिश हुई, लगातार बारिश का दौर जारी है और जिस तरह से बाढ़ के हालात जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बने, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई जरूरी दिशा निर्देश हैं वो इस बैठक में दिए हैं। देखिए, दो दिन पहले जब जिस तरह की बारिश हुई उससे जयपुर शहर और जयपुर के अलावा भी कई शहरों में बाढ़ के हालात बन गए थे, उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाए। जिस तरह से जयपुर शहर में सड़कों पर VIP सड़कें थी उन पर भी पानी भर गया, बाढ़ के हालात बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी हुई और जिस तरह से बाजारों में पानी भरा और व्यापारियों को नुकसान हुआ, या फिर कुछ तस्वीरें आपने देखी जहां पर जयपुर शहर में बारिश और पानी के चलते जिस तरह से लोगों के घरों में पानी घुस गया, तो उस तरह की पूरी तैयारियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस बाढ़ से निपटने के पूरी तैयारी करने के इस बैठक में निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला कलेक्टर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ प्रभावित जहां भी जो इलाके हैं उनमें पूरी समुचित व्यवस्था की जाए। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर छोटे छोटे बांध बनाने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कैचमेंट जो एरिया है उनमें छोटे छोटे बांध आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बनाए जाए। साथ ही जयपुर सहित सभी जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए हैं और ये कहा गया है कि जयपुर में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएं और दूसरे जो जिले अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएं। जयपुर, कोटा और अजमेर में फिलहाल NDRF तैनात है, तो इसके अलावा 20 और अन्य जो जिले हैं उनमें भी NDRF
तैनात करने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से निर्देश दिए गए हैं। देखिए कोविड-19 रोकथाम के चलते जिस तरह से 15 मार्च के बाद जो भी आदेश निकाले गए हैं, जो भी सरकार की ओर से जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, तो उनका इस आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में उनका अनुमोदन किया गया है। देखिए मार्च माह में कोरोना महामारी प्रदेश में पैर पसार रही है, उसके बाद से तो लगातार उसके बचाव और राहत के लिए सरकार की ओर से जो भी फैसले किए गए हैं, तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की इस बैठक में उन तमाम फैसलों का अनुमोदन किया गया है। जिस तरह से सरकार की ओर से जो फैसले लिए गए हैं कि किस तरह से कोरोना से बचा जाए, जिस तरह से संक्रमण ना फैले, उसके प्रयास किए गए, जो फैसले लिए गए हैं, उनका अनुमोदन इस बैठक में किया गया। साथ ही कोविड-19 के रोकथाम और बचाव के लिए जिस तरह से चाहे वेंटिलेटर खरीद का मामला हो या फिर मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट, जो भी बचाव के लिए जो इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, तो उनके लिए 385 करोड़ रुपए की जो राशि थी उसका अनुमोदन इस बैठक में किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। देखिए कोरोना महामारी जब प्रदेश में आई तो उस समय जांच की सुविधा नहीं थी और फिलहाल प्रदेश में 40,000 प्रतिदिन कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए चाहे जांच केंद्र स्थापित किए गए हों या फिर कोबोस 8800 मशीन जोधपुर में लगाई हो, SMS में जो मशीनें लगाई गई हों उनकी खरीद की गई है, तो तमाम इस राशि का अनुमोदन इस बैठक में किया गया है। साथ ही सूखा संवत 2076 के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ और जोधपुर में जो किसान हैं सूखा प्रभावित, जिस तरह से उनकी फसलों को नुकसान हुआ है, तो उनके लिए जो राशि उनको आवंटित की गई 220.06 करोड़ रुपए की जो राशि थी, जो किसानों को मुआवजा दिया गया है, उसका भी इस बैठक में अनुमोदन किया गया है। देखिए टिड्डी के चलते जिस तरह का नुकसान हुआ है, 77,593 किसानों को ये टिड्डी के प्रकोप के चलते जिस तरह से उनकी फसलों को नुकसान हुआ, तो 77,000 किसानों को इसका मुआवजा आवंटित किया गया, सरकार की ओर से मुआवजा वितरित किया गया ताकि किसानों को राहत मिल सके, तो इसके लिए भी 129 करोड़ रुपए का अनुमोदन इस राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में हुआ है। साथ ही कोरोना महामारी के चलते जिस तरह के आज हालात हैं, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के अलावा एक और बैठक की गई, कोरोना की समीक्षा बैठक की गई, जिसके चलते इस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और कई इंस्ट्रक्शन जो अधिकारियों को दिए गए हैं। जिस तरह से आज 50,000 से अधिक कोरोना के चलते देश भर में जो मृत्यु दर हो गई है, मृत्यु 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु कोरोना के चलते प्रदेश में हुई है, तो उसके लिए ये चिंता का विषय, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को कहा है कि ये चिंता का विषय है और इसके लिए अधिकारियों को भी और आम जन को भी इसे गंभीरता से लेना होगा, जिसके चलते उन्होंने कई जरूरी जो दिशा निर्देश हैं उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं, चाहे ऑक्सीजन आपूर्ति की बात हो कि जो वेंटिलेटर पर जो मरीज हैं उनको समय पर ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ड्यूटी पर जो नर्सिंग कर्मी हैं उनके जरूरी प्रोटोकॉल में बदलाव के निर्देश उन्होंने दिए हैं कि जिस तरह से रात के समय ऑक्सीजन की कमी आती है और रात के समय ही जो नर्सिंग कर्मी या डॉक्टर्स हों उनकी ड्यूटी लगती है, तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी रहती है, तो उनको विशेष प्रोत्साहन राशि दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं कि रात के समय जिन नर्सिंग कर्मियों की या डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है तो उनको कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानी रहती है, तो उनको लिए विशेष प्रोत्साहन राशि देने के निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को दिए हैं ताकि उनको भी राहत मिल सके। और जिस तरह से लगातार पिछले 3 माह चाहे 5 माह से लगातार ड्यूटी जो नर्सिंग कर्मी हों या डॉक्टर्स हों लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, रात के समय भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाए, उससे उनको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले और जिस तरह के आज हालात बने हुए हैं। साथ ही कोरोना महामारी के चलते देखिए आवागमन की बाधा कुछ समय से बन गई थी, जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही थी तो यातायात की जो व्यवस्था थी वो सुनिश्चित नहीं थी, तो जिसके चलते टीकाकरण में कहीं ना कहीं बाधा आई थी, तो चाहे गर्भवती महिलाओं की बात हो या बच्चों के टीकाकरण की बात हो, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इसके लिए सुनिश्चित किया जाए समयबद्ध तरीके से। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, जिन्होंने अपडेट दी मुख्यमंत्री।